नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद, आप livecities.in देख रहे हैं। राहुल गांधी की रैली है 3 फरवरी को, पूरे पटना में बैनर्स पोस्टर सजे हैं। हम आपको आज बाइक पर यात्रा कराते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से पटना को पोस्टर से ढक दिया गया है। राहुल गांधी के स्वागत की क्या कुछ तैयारी है। यह सफ़र बेली रोड से शुरू होता है और हम आपको गांधी मैदान तक ले जाएंगे, पूरा नज़ारा दिखलाएंगे। और बेली रोड पर बने इस पोस्टर के साथ शुरू होती है हमारी बुलेट यात्रा। अब हम आपको पूरे पटना की तस्वीर दिखाएंगे कि राहुल गांधी की रैली को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। ये बेली रोड है पटना का, जिसे जवाहरलाल नेहरू पथ कहा जाता है, मगर अंग्रेज़ों ने बेली रोड कह दिया, तो यह प्रचलन आज तक चल रहा है। देखिए सड़क के बीच में किस तरह से राहुल गांधी के पोस्टर्स लगे हुए हैं, और बाई ओर भी कोई कमी नहीं है पोस्टरों में। पूरे पोस्टर से ढक दिया गया है पटना को। लगभग हर 10 मीटर के बाद एक पोस्टर आपको देखने को मिलेगा पटना में। सड़क के बीच में भी पोस्टर्स लगे हैं, पोल जो है बिजली के पोल उन पर भी, स्ट्रीट लाइट के पोल, और ये देखिए द्वार भी बनाया गया है। जन आकांक्षा रैली का यह द्वार है। 3 फरवरी को ये रैली पटना के गांधी मैदान में है और हम आपको पूरे पटना का नज़ारा दिखा रहे हैं। देखिए कितने सारे द्वार बनाए गए हैं, सब पर राहुल गांधी की तस्वीर और जो नेता इसे लगवा रहे हैं उनकी तस्वीरें हैं। अब हम इनकम टैक्स गोलंबर पहुंचने वाले हैं और ये सेंटर है बैनर्स का। जब भी चुनावी मौसम आता है तो ये गोलंबर पूरी तरह बैनरों से ढक जाता है राहुल गांधी की तस्वीर के साथ। और हम इनकम टैक्स गोलंबर पहुँचे, इसका एक चक्कर लगाकर हम आपको दिखाएंगे कि कितने सारे बैनर्स भरे हैं। गोलंबर पर ही नहीं बल्कि इस तरफ भी आप देखें तो आपको सिर्फ कांग्रेस के ही पोस्टर्स देखने को मिलेंगे। ये बाईं ओर गोलंबर के पोस्टर्स हैं, पूरी तरह से पोस्टरों से ढक दिया गया है दाहिनी ओर। अब इस गोलंबर को देखिए, आप जहां भी देख सकेंगे सिर्फ पोस्टर ही पोस्टर्स आपको नज़र आएंगे। गोलंबर को तो पूरा पोस्टर से ढक ही दिया गया है और जो रास्ते इसके चारों ओर निकल रहे हैं वो भी पोस्टर से ढके हैं। हम इस इनकम टैक्स गोलंबर का एक चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि आपको पूरी तस्वीरें देखने को मिल सकें। ये रास्ता वही है जिधर से हम आ रहे थे, बेली रोड वाला रास्ता, और अब एक चक्कर लगाकर हम डाक बंगला की ओर बढ़ेंगे। और पोस्टरों की संख्या देखिए आप, कि पूरा पटना जो है वो पोस्टर से ढक चुका है। ये रास्ता जा रहा है गांधी मैदान और डाक बंगला की ओर। संख्या देखिए आप पोस्टरों की, इतने पोस्टर्स पटना कभी कभी ही देखता होगा। और इसमें अलग अलग तरह के ग्राफिक्स, डिज़ाइंस और नए तकनीक का इस्तेमाल होने लगा है। ये एक और द्वार जो आगे की तरफ बनाया गया है, और डाक बंगला की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। और देखिए द्वार और पोस्टरों का आलम, कितने सारे पोस्टर हैं, सब पर राहुल गांधी की तस्वीर। राहुल गांधी पहली बार पटना पधार रहे हैं तो उनके स्वागत का भव्य इंतजाम हुआ है। किनारे किनारे पर छोटे पोस्टर्स भी हैं रोड के किनारे, देखिए जैसे पेड़ पर ये पोस्टर, और भी पोस्टर्स हैं। अब हम कोतवाली थाना के पास हैं और यहाँ भी पोस्टर लगा है, हर जगह पोस्टर। अब हम डाक बंगला की ओर जब बढ़ेंगे तो आगे का नज़ारा और आलम भी आप देखेंगे, कि जो कमर्शियल बोर्ड्स हैं उनको भी पॉलिटिकल पोस्टर से ढक दिया गया है। मतलब कि पैसे भी खूब खर्च किए जा रहे हैं, जो अफोर्ड कर सकते थे कमर्शियल होर्डिंग्स को ऑक्यूपाई करना वो वैसे कर रहे हैं। कोतवाली थाना को पार करते हुए एक और ख़ास चीज़, दीवार पर ये जो सुंदर पेंटिंग्स हैं ये पटना आर्ट कॉलेज के छात्रों ने बनाई हैं, जो आजकल पटना का आकर्षण बनी हुई है। ये मौर्य लोग, जिस पर राहुल गांधी की तस्वीर और बैनर्स हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते चले हम डाक बंगला की ओर। ये सड़क के बीच में स्ट्रीट लाइट्स पर भी पोस्टर्स लगाए गए हैं, ये बाईं ओर भी आप देख सकते हैं, और दाहिनी ओर पटना वन मॉल के आगे जो बड़ा सा होर्डिंग आपको दिख रहा है इस पर भी राहुल गांधी की तस्वीर है, प्रेमचंद्र मिश्रा है, और जो पूरा है कमर्शियल होर्डिंग तक ढक दिए गए हैं। यह डाक बंगला चौराहा पर लगी होर्डिंग है, जन आकांक्षा रैली लिखा है इस पर, जो
कॉमर्शियली काफ़ी महंगी है, मगर अभी कांग्रेस के कब्जे में है। नेताओं ने इसके पैसे दिए होंगे तभी कॉमर्शियल होर्डिंग्स पर आपको पॉलिटिकल होर्डिंग्स दिख रहे हैं। डाक बंगला से गांधी मैदान की ओर यह रास्ता जाता है, इसी रास्ते से राहुल गांधी भी जाएंगे। और इस बीच देखिए आप कि फ्रेजर रोड के जो बीच का डिवाइडर है उस पर सिर्फ पोस्टर्स ही हैं, राहुल गांधी को इम्प्रेस करने की पूरी तैयारी है। ये बड़ा वाला पोस्टर देखिए भाई, और फ्रेजर रोड में बड़े वाले होर्डिंग्स पर भी पोस्टर्स लगे हैं, बीच में तो पूरा भर ही दिया गया है। यहाँ पोस्टर लगाने के पैसे नहीं लगते, तो लगता है कि यहाँ से गांधी मैदान तक इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। द्वार भी बनाए गए हैं। वक्त है बदलाव का, जन आकांक्षा रैली, राहुल गांधी की तस्वीर, अखिलेश प्रसाद सिंह चेयरमैन अभियान समिति बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। और ये देखिए वो चेहरा जो इस रैली में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे अभी तक कांग्रेस ने तो नहीं अपनाया है, मगर वो कांग्रेस के एक मजबूत सिपाही की तरह काम कर रहे हैं, रैली के लिए लोगों को जुटा भी रहे हैं और भारी संख्या में गांधी मैदान पहुंचने का आग्रह भी कर रहे हैं। दरअसल मुंगेर से चुनाव लड़ने का दावा उन्होंने किया है। अब आगे यह भी देखना काफ़ी रोमांचक होगा कि अनंत सिंह उम्मीदवार होते हैं या नहीं। लेकिन आप जहां भी देखेंगे आपको पटना में राहुल गांधी की रैली के पोस्टर्स ही दिखेंगे। ये राहुल गांधी के भव्य स्वागत की तैयारी है और इसी के लिए पूरे पटना शहर में ये बैनर्स पोस्टर्स बिछाए गए हैं। दरअसल राहुल गांधी पटना एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद सीधा गांधी मैदान आएंगे और अब हम भी गांधी मैदान की ओर बढ़ रहे हैं। डाक बंगला चौराहे से पहले बेली रोड गए और एक और गोलंबर देखिए, यह गोलंबर भी पूरी तरह बैनर्स से ढका हुआ है और लगे हुए हैं। गरीब सवर्णों के प्रति न्याय के लिए ये पोस्टर इकलौता ऐसा पोस्टर जो भाजपा का है। उसके बाद आप देखेंगे तो फिर आपको कांग्रेस के ही पोस्टर्स दिखेंगे, यहाँ तक कि कॉमर्शियल होर्डिंग्स पर भी कांग्रेस के पोस्टर्स आज 3 तारीख तक के लिए बिछे आपको नज़र आएंगे। अब हमारे सामने जेपी गोलंबर आने वाला है जो गांधी मैदान के एक कोने पर है। उधर भी जब आप देखेंगे तो आपको बस पोस्टर्स ही पोस्टर्स नज़र आएंगे। आगे बढ़ें तो एक और द्वार आपको दिख रहा होगा और बाईं ओर भी पोस्टर्स। और अब हम गांधी मैदान पहुंचने वाले हैं, वही जगह जहां राहुल गांधी की रैली है, जिसे ऐतिहासिक गांधी मैदान कहा जाता है क्योंकि खुद में बहुत सारे इतिहास समेटे हैं गांधी मैदान। जेपी आंदोलन से लेकर के आज तक का इतिहास जो है वो गांधी मैदान में है। और यह जेपी गोलंबर का पोस्टर गोलंबर है जो पूरी तरह पोस्टर से ढक गया है। हम इसका भी एक चक्कर लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से राहुल गांधी को इम्प्रेस करने के लिए इस गोलंबर को पूरी तरह से बैनर पोस्टर से ढक दिया गया है। और रैली है कल, तो उसको लेकर के यह तैयारियां की जा रही हैं। आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि गांधी मैदान की दीवार पर भी आपको यही पोस्टर्स दिखेंगे। उधर द्वार भी बनाया गया है जो रास्ता एग्जीबिशन रोड की ओर जाता है। और पोस्टर्स का आलम तो देखिए, बस पोस्टर ही पोस्टर है। ये जेपी गोलंबर है, आपको जयप्रकाश नारायण की मूर्ति बीच में देखने को मिलेगी अगर इस पोस्टर के बीच से थोड़ा जगह बच पाया हो तो, मगर पोस्टर्स की संख्या ऐसी है कि इसके आगे कुछ नज़र नहीं आता। अब हम गांधी मैदान की उस गेट की ओर बढ़ेंगे जो गेट नंबर 1 है, जहाँ पर आगे स्टेज बना है और पीछे से एंट्री है वीआईपी लोगों की। आम जनता जो है वो अलग द्वार से एंट्री करेगी, मगर ये जो मेन गेट है उससे बस वीआईपी आएंगे, जो 1 नंबर का गेट है। आगे आप देखें तो पुलिस भी तैनात है और यहाँ पर जो पुलिस है वो चेकिंग भी कर रही है गाड़ियों की। आप देख सकते हैं किस तरह से रोक रोक कर चेकिंग किया जा रहा है। देखिए पुलिस वाले जो हैं वो वाहनों को रुकवा कर चेक कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा सामान अब गांधी मैदान के आसपास ना आए जिससे रैली में कोई माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जा सके। लेकिन अब गांधी मैदान पहुंचिए और द्वार बने हैं, पोस्टरों की संख्या यहाँ भी सबसे ज़्यादा है और आप देख सकते हैं कि पूरा जो
गांधी मैदान का इलाका है वो बैनर पोस्टरों से ढका है, यही वो एक नंबर द्वार है जो जिससे राहुल गांधी इंटर करेंगे एयरपोर्ट से चलकर यहाँ पर आएंगे। आगे एक मंच भी तैयार हो रहा है, हम घुमाकर वापस एक नंबर गेट से गांधी मैदान के अंदर जाने का भी प्रयास करेंगे अगर वाहनों की एंट्री है तो, और आपको यह नज़ारा दिखाएंगे। सड़कों पर बैनर्स पोस्टर्स पाट दिए गए हैं और पटना तैयार हो रहा है राहुल गांधी की स्वागत के लिए। गेट नंबर एक की ओर बढ़ रहे हैं, वही मुख्य द्वार है जहां से राहुल गांधी को आना है। एयरपोर्ट से सीधा गांधी मैदान, SPG की सुरक्षा में यह सारे प्रयास किए जा रहे हैं और हम एक नंबर गेट पर पहुंच रहे हैं। ये देखिए वो पंडाल आगे आपको दिखेगा जो तैयार किया जा रहा है राहुल गांधी की रैली के लिए, पीछे से घेर दिया गया है। SPG यहाँ पर तैनात हो चुका है सुरक्षा को देखते हुए, और आगे अब 3 फरवरी को देखना है कि जनता राहुल गांधी को कितना समर्थन देती है। फिलहाल हमने आपको वो बैनर्स पोस्टर सारी चीज़ें दिखाई जिससे पटना पूरी तरह ढक चुका है और कह सकते हैं आप कि राहुल गांधी की स्वागत में तैयार हो रहा है। वक्त है बदलाव का, जन आकांक्षा रैली, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी तस्वीर अब इन पोस्टरों पर आम हो गई है। तो ये नज़ारा हमने आपको दिखाया पूरे पटना का जो बैनर पोस्टर से ढका है, और हम वापस आ गए गेट नंबर एक गांधी मैदान पर जहाँ से राहुल गांधी को एंट्री करनी है। बेली रोड से गांधी मैदान तक का नज़ारा लाइव सिटीज ने आपको दिखाया, आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। हम बिहार से जुड़े सभी अपडेट्स आप तक पहुँचा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।